Hi friends, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको बताऊंगी causes of crime. आपको पता ही crime के जो है कोई एक single reason नहीं होता है. There is multiple causes which are responsible for causing crime. तो आज हम पढ़ेंगे crime के कौन कौन से causes होते हैं. देखिए सबसे पहला इसका कॉज है डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली. देखिए जो बच्चा होता है, बच्चा पहले फैमिली ही उसका सबसे पहला स्कूल होता है. जो भी अच्छे गुण या बुरे गुण वो अपने फैमिली मेंबर से ही सीखता है. लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी और अब जो है न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है, जिससे फैमिली का डिसइंटीग्रेशन हुआ है. और अब फैमिली को अच्छी तरीके से चलाने के लिए वुमेन्स भी जो हैं जॉब पे जाती हैं. तो दोनों ही पेरेंट्स जो हैं, फादर और मदर, जॉब के लिए बाहर जाता है और बच्चा जो है घर पे अकेला होता है. तो उसको जो केयर मिलनी चाहिए, जो लव मिलना चाहिए, जो अटेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, जिससे कि बच्चा जो है गलत रास्तों को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं. और पेरेंट्स का जो उन पे कंट्रोल है वो भी काफ़ी ढीला पड़ जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम पैसे से जो है बच्चे को खुशी खरीद के दे सकते हैं. वो उनके इमोशनल डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं करते. पेरेंट्स का एक पर्पस होता है कि हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे और अपने बच्चे को ज़्यादा फैसिलिटी देंगे. लेकिन ज़्यादा फैसिलिटी देना और लग्जूरियस लाइफ देने से ही बच्चा एक अच्छे सिटीज़न में कन्वर्ट नहीं होता है. इसके लिए बच्चे को ज़रूरत होती है टेंडर केयर की. उसकी जितनी भी क्यूरियोसिटी है आप उन्हें टाइमली जो है सॉल्व करें और उन्हें लव और केयर के साथ उनका नरिशमेंट करें. तो ये जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का अपना कंट्रोल नहीं है. ना ही वो कोई गलत एक्टिविटी करते हैं तो वो उस पर अटेंशन दे पाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है आज की एज में क्राइम के लिए. सेकंड आता है इसका ब्रोकन फैमिली. देखिए आजकल पहले तो इतना नहीं होता था. पहले जो मैरिज होती थी हम उसे एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन मानते थे और नॉर्मली डाइवोर्स की सिचुएशन बहुत कम थी. लेकिन रिसेंट ईयर में हम देखते हैं कि आजकल जो है बहुत डाइवोर्स के केस होते जा रहे हैं. तो मदर फादर अलग हो जाते हैं, सिंगल मदर जो है बच्चे का जो है ब्रिंग अप करती है उसको. और कभी कभी हमने देखा है अगर ब्रोकन भी फैमिली नहीं होती है तो पेरेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं या एक पेरेंट का दूसरे पे जो है डोमिनेंस काफ़ी होता है. तो जिसकी वजह से बच्चे को जो है काफ़ी इमोशनल उसका टॉर्चर होता है और उसको काफ़ी इनसिक्योरिटी फील होती है. इस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए वो गलत रास्तों को जो है अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि वो गलत रास्ते उसको मोमेंट्री बहुत ज़्यादा जो है प्लेजर देते हैं. तो वो सोचता है कि फैमिली की किचकिच से बचने के लिए मुझे इन गलत रास्तों से काफ़ी खुशी मिल रही है, तो वो उनकी तरफ मुड़ जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसको एक अच्छे सिटीज़न में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड पे अपने माँ बाप की एक गलत जो है इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट इसका होता है डिफेक्टिव पेरेंटहुड. कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो हैं इलिसिट रिलेशनशिप की वजह से जन्म ले लेते हैं, जिन्हें हम जो हैं नाजायज बच्चे के नाम से या इलेगिटिमेट चाइल्ड के नाम से भी जानते हैं. तो ऐसे बच्चों को सोसाइटी जो है पूरे दिल से एक्सेप्ट नहीं करती है. वो टाइम टू टाइम ऐसे बच्चों की मॉकरी करती है और उन्हें पूरी रिस्पेक्ट नहीं देती है. उनको अपने जीवन में बहुत बार जो है बड़ी डिसरेस्पेक्टफुल सिचुएशन से पास होना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके मन में एक आक्रोश जन्म ले लेता है और वो इस सोसाइटी को जो है टॉर्चर करना चाहते हैं, इसके मेंबर्स को जो है सबक सिखाना चाहते हैं. तो धीरे धीरे वो जो है एक क्रिमिनल की तरफ जो है बढ़ते चले जाते हैं और वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. देखिए इंडिया में जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमने देखा 90 से बहुत ज़्यादा रह रही है.
इसमें कोई भी गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी को नहीं लेके बनती है, बल्कि एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है। और इस कॉलिशन गवर्नमेंट से क्या होता है कि कभी भी कोई किसी की लैग पुलिंग कर लेता है, और वो जो है अपना ही वो देखते हैं कि हमें किस चीज़ से जो है फ़ायदा हो सकता है। इसमें एक बहुत अच्छा केस हुआ था, JMM ब्राइबरी का केस। उस टाइम पे जो है नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, और जो शिबू सोरेन थे और सूरज मंडल थे, उन्होंने जो है पैसे लिए थे जिससे कि वो इनकी गवर्नमेंट जो कि कॉलेशन में बनी हुई थी गिरने से बचा सके। इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी वोट फॉर नोट का नारा दिया था कि ये तो नोट दे के जो है वोट को खरीद रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से क्राइम को जन्म देते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं जो पॉलिटिकल हाईअप्स होते हैं वो अननेसेसरी एक्सिक्यूटिव फंक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, जिससे पब्लिक का और पुलिस का मॉरल जो है काफ़ी डाउन हो जाता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए जो है बहुत जो है गलत चीज़ें करने लगते हैं, जो कि क्राइम का रीज़न बन जाते हैं। आप देखिए 1980 में जो पंजाब था वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत मास किलिंग कर रहे थे, तो वो किस लिए था, क्योंकि उनको जो है वो पंजाब को अलग से खालिस्तान बनाना चाहते थे। और इसीलिए पॉलिटिकल मोटिव की वजह से 1984 में जो हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनका असासिनेशन हुआ था, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो है रॉयट हो गए थे 1984 के। तो ये सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से या डिफरेंट पॉलिटिकल एम्बिशियस को पूरा करने के लिए आप क्राइम का सहारा लेते हैं। फिर नेक्स्ट इसका कॉजेस में आता है एसोसिएशन विद क्रिमिनल। देखिए, आप जैसी कंपनी रखती है आप वैसे ही बनते हैं। आपने देखा होगा, दो तोते की कहानी भी सुनी होगी आपने। दो तोते होते हैं, एक तोता जो है साधु के पास रहता है, तो वो शुरू से ही राम राम देखता है, तो वो जो भी उसके पास उनकी कुटिया में आता है साधु को, वो सबसे कहता है राम राम आप पानी पिएंगे, तो उसकी आवाज़ सुन के सबका मन प्रसन्न हो जाता है। और एक तोता जो है एक चोर के पास रहता है, तो वो उनसे गाली गलौज करना यही सीखता है, तो जब भी कोई उनके चोर के पास आता था तो वो गाली दे के तोता भी बोलता था। तो इससे पता चलता है कि आपकी जैसी कंपनी होगी आप बिल्कुल जो है उसी हिसाब से बनते हैं, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदल जाता है। तो आजकल जो है लोग बाग अपनी बैड कंपनी रखते हैं, उनका एसोसिएशन जो है क्रिमिनल से हो जाते हैं, तो जो इनोसेंट लोग होते हैं वो भी उनके साथ मिल के क्राइम करने लगते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए, जब हम एजुकेशन लेते हैं तो एजुकेशन से क्या होता है, हमारे नॉलेज का होराइजन काफ़ी बढ़ जाता है, हम एक रेशनल पर्सन बन जाते हैं, हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसी हिसाब से हम डिसीशन लेते हैं। लेकिन अगर हम इलिटरेट पर्सन हैं, हमने एजुकेशन नहीं ली है, तो एक तो एजुकेशन ना लेने से हमें कंट्री में या ग्लोबली क्या चीज़ें चल रही हैं हमें उनका कुछ पता नहीं चलता है, और हम एक कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। तो हमारी जो एक छोटी सी मेंटली होती है, जो हमारा माइंडसेट होता है, हम उसी के हिसाब से वर्क करते हैं। जो भी हमारे माइंडसेट के विपरीत जाता है तो हम उसे सबक सिखाने के चक्कर में जो है क्राइम को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ क्राइम। नेक्स्ट आता है आपका रिलीजियस फैक्टर। देखिए, जो धर्म होता है वो सिखाता है कि आपको जो है गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। कभी कभी हम खुद भी देखते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करना चाहते हैं तो हम अगर गॉड फियरिंग है तो हम भगवान से डर जाते हैं कि चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं। तो कभी कभी जो हम क्रिमिनल एक्ट करने वाले होते हैं वो सिर्फ भगवान की डर की वजह से ही हम रुक जाते हैं। तो इस तरीके से रिलीजियस हमें हमेशा अच्छे पाथ की तरफ ले जाता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं लोग बाग जो है रिलीजियस जो है बड़े फैनेटिक्स हो गए हैं, वो अपने रिलीजियस को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे के रिलीजियस को जो है बड़ा इंफीरियर समझते हैं। इसलिए दो रिलीजियस ग्रुप में जो है टकराव होते रहते हैं, और इसके लिए वो सोसाइटी के मेंबर के लिए एक दूसरे के प्रति जो है क्राइम करते रहते हैं।
इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में, तो और इसमें जो था सिखों जो थे खालिस्तान की मांग कर रहे थे अपने रिलीजियस फैक्टर पे, जिस पे तब की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। फिर जो है 1991 में बीजेपी ने एकता यात्रा चलाई थी, जिसका फिर अंत जो है बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन से हुआ था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रिलीजियसनेस की वजह से भी कभी कभी अनजाने में भी हम सोसाइटी के दूसरे मेंबर की तरफ जो है क्राइम करते रहते हैं। तो इसलिए हमें अपने रिलीजियस का जो माइंड सेट है वो थोड़ा ब्रॉड रखना चाहिए, और हमें दूसरे के रिलीजियस को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। जब हम एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को समझेंगे तो रिलीजियस की वजह से हम कभी भी क्राइम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं कि किसी एनवायरमेंट से रिलेटेड जब हम वहाँ के लोगों की स्टडी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोलॉजिकल फैक्टर। देखिए इकोलॉजी का मतलब होता है कि हम स्टडी कर रहे हैं लोगों की और इंस्टीट्यूशन की इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। तो जो टॉपोग्राफिकल कंडीशन होती हैं वो भी जो है पर्टिकुलर प्लेस पे क्राइम की इंसिडेंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। आपने देखा होगा कि जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे जो है स्मगलिंग की ज़्यादा क्राइम होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ज़्यादा क्राइम होता है, और ऐसे ही आप फॉरेस्ट रीजन में देखेंगे वहाँ पे वॉयलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों को पता है कि वहाँ पे बहुत कीमती पेड़ है, हम इन्हें काट के और इसे मुंह मांगी हम कीमत जो है अपने कस्टमर से वसूल कर सकते हैं। तो प्लेस टू प्लेस भी जो है क्राइम की जो है इंसिडेंस घटती बढ़ती रहती है, तो एक पर्टिकुलर प्लेस भी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है क्राइम के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। देखिए आजकल के लोग जो है मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में केस आते हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने पिक्चर में देख के जो है बैंक में रॉबरी करी, या उसने ये केस किया, या क्राइम इंडिया सीरियल देख के उसने जो है कॉन्स्पिरेसी करी या प्लानिंग करी कि रॉबरी या डकैती डालने की। तो इससे पता चल जाता है कि मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। मीडिया में कभी कभी बड़ी वल्गैरिटी दिखाई जाती है और अनडिज़ायरेबल सेक्स का जो वो एक्सपोज़र करते हैं उससे बच्चों के दिमाग पे बहुत ही करप्ट फ़र्क पड़ता है, जिससे बच्चे भी जो है उसकी तरफ टेम्प्टेड होती हैं और वो क्राइम जो है करने लगते हैं। कभी कभी मीडिया में काफ़ी फेक न्यूज़ आ जाती है। फेक न्यूज़ की वजह से दो रिलीजियस जो ग्रुप होते हैं उनमें अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पैनिक में जो है कभी कभी क्राइम कर बैठते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मीडिया का जो है लोगों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और इसकी वजह से जो है क्राइम में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी जो गरीबी है वो तो सबसे मेन रीज़न है आपका क्राइम। क्राइम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें शॉर्टकट तरीके से जो है पैसे कमाने होते हैं, और उसकी उन्हें तभी ज़रूरत पड़ती है जबकि वो गरीब होते हैं, उन पर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, तो वो अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए अपनी अपने घर वालों की अपनी डिपेंडेंट की ये शॉर्टकट मेथड जो है क्राइम के अडॉप्ट करते हैं कि आप चैन स्नेचिंग कर रहे हो या किसी के घर में चोरी कर रहे हो, डकैती डाल रहे हो, तो ये सारा जो है पॉवर्टी की वजह से होता है। लास्ट है हमारा एब्सेंस ऑफ सिंपैथेटिक बिहेवियर। देखिए गलती तो हर ह्यूमन बीइंग कर सकता है, कोई भी ये नहीं कहता है कि जो है हम जो है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इंसान हर स्टेज पे कहीं ना कहीं कोई गलती करता है। किसी का क्राइम पता चल जाता है, किसी का क्राइम पता नहीं चलता है। अगर किसी ने इनोसेंसी में या बिना गलत इंटेंशन के कोई क्राइम कर दिया और उसी वक्त अगर हम उसे सिंपैथेटिक बिहेवियर दिखाएं, उसको कहें कि आपने ये गलती करी है और इसका ये कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, इसलिए आप आगे से मत करिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं, तो ऐसा सिंपैथी वाला बिहेवियर जब बंदे को मिलता है तो वो भी जो है एक पॉजिटिव माइंड सेट से जो है सोचने लगता है। लेकिन यहीं पर अगर आप उसकी जो है मजाक उड़ाते हो, उसको जो है डिसरेस्पेक्ट करते हो और सोसाइटी में उसको जो है प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, रिवॉल्ट आ जाता है,
और अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए वो जो है क्राइम का सहारा लेता है। तो इस तरीके से हमने देखा क्राइम के बहुत सारे कॉजेस होते हैं। मैंने जो इम्पॉर्टेंट कॉजेस थे वो सारे अपने इस लेक्चर में कवर किए हैं। तो आई होप कि आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा कॉजेस ऑफ क्राइम क्या क्या होते हैं। ये मैंने बड़ी इजी लैंग्वेज में समझाया और इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।